चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करते हैं और सबसे पहले प्रिंट करा लेते हैं नाम। तो नाम प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्रिंटिफ। यहाँ पर नाम दे दिया, मान लीजिए के। इसके बाद हमें ऊपर स्टार्स प्रिंट करने हैं, वो भी एक फंक्शन के थ्रू। तो एक फंक्शन बना लेते हैं हम स्टार्स नाम से। यहाँ पे कॉल किया है, अगर कॉल करना चाहते हो तो पहले उसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वरना ये एरर देगा। तो फंक्शन एक डिफाइन कर लेते हैं void stars नाम से। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं printf। अगर एक स्टार प्रिंट कराना होता तो मैं बस ऐसे लिख देता, लेकिन हमें क्या करना है, हमें 9 स्टार्स प्रिंट कराने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब कोई काम बार बार कराना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे लूप में डाल देते हैं। तो i इक्वल टू 0 या 1 से ले लेते हैं, i लेस देन इक्वल टू 9 तक हम स्टार प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 9 टाइम्स स्टार्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। और जब 9 टाइम्स स्टार्स प्रिंट हो जाएं तो हमें क्या करना है, तो हमें कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे भी चाहिए। तो printf यानी लूप से बाहर लिख देंगे स्लैश n, ठीक है। तो इससे कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, एक लाइन प्रिंट होगी। अगर आप इसे कंपाइल करें, एरर कहाँ पे, अच्छा, शुड हैव ए प्रोटोटाइप, स्टार शुड हैव ए प्रोटोटाइप, तो प्रोटोटाइप देना पड़ेगा ऊपर। तो यहाँ पर प्रोटोटाइप दे देते हैं void stars, ठीक है। अब इसे कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं। ये देखिए, एक बार ये लाइन आ चुकी है 9 स्टार्स की। अब हमें ये काम रिपीट करना है 3 टाइम्स स्टार्स वाला। तो हमें पता है जब भी कोई काम बार बार रिपीट करना होता है तो हम उसे कहाँ डालते हैं, लूप में डालते हैं। एक काम ये भी कर सकते हैं आप कि स्टार्स को यहाँ पर 3 बार कॉल कर दें, लेकिन हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें स्टार्स फंक्शन कितनी बार कॉल करना है, सिर्फ 2 टाइम्स हमें कॉल करना है। तो इसलिए हम स्टार्स यहाँ पर 3 बार तो कॉल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर 3 बार कॉल नहीं करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम यही काम 3 बार रिपीट करा देते हैं। और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जे इक्वल टू 1 एंड जे इज लेस देन इक्वल टू 3 जे प्लस प्लस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस वाले लूप को, जो अंदर वाला लूप है, उसे बाहर वाले लूप के अंदर डालेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये अंदर वाले लूप की ब्रैकेट क्लोज, ये प्रिंट स्टेटमेंट भी बाहर वाले लूप के अंदर में ही आएगा, और ये बाहर वाले लूप की ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। तो अगर मैं अब इसे कॉल करूँगा तो स्टार्स मैंने एक ही बार कॉल किया है, लेकिन अब ये क्या प्रिंट कर देगा, 9 स्टार्स की 3 रोज प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने उसके बाहर ये लूप लगा दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें तो नाम प्रिंट होने के बाद भी हमें स्टार्स चाहिए। और अगर मैंने इसके बाद इस तरीके से इसे कॉल कर दिया स्टार्स यहाँ पर, तो ये इसके नीचे भी प्रिंट कर देगा, लेकिन केके के साथ प्रिंट करेगा, तो हमें एक स्लैश एन भी देना पड़ेगा, वरना केके के साथ ही स्टार्स प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ, क्योंकि रिक्वायरमेंट कहती है कि यहाँ पर 4 स्टार्स होने चाहिए और 2 लाइनें होनी चाहिए। और हम स्टार्स फंक्शन को सिर्फ 2 ही बार कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो चेंज हो सकती है पैटर्न, या जो चेंज हो सकती है वैल्यू, वो यहाँ से हो सकती है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग यहाँ पे कि हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ से पास करेंगे। पहले केस में क्या चाहिए, 3 एंड 9। दूसरे केस में क्या चाहिए, 2 एंड 4, 2 एंड 4। अब जब वहाँ से वैल्यू पास होंगी तो कहाँ आएंगी, स्टार्स फंक्शन के पास आएंगी। और स्टार्स फंक्शन के पास अगर वैल्यू आएगी
तो हमें ये पता होना चाहिए कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। हमारे पास हर बार दो वैल्यूज़ आ रही हैं, पहली बार में भी और दूसरी बार में भी। तो अगर दो वैल्यूज़ आएंगी तो इसका मतलब हमें यहाँ पर दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, ठीक है। दो वेरिएबल वो किस टाइप के होंगे, क्योंकि हमारे पास हर बार इंटीजर वैल्यू आ रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो उसका मतलब इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल होंगे। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया इंट सी, इंट डी, ठीक है। तो पहली वाली वैल्यू सी में आएगी, दूसरी वाली वैल्यू डी में आएगी। कैसे आएगी? जैसे ही ये स्टार्स फंक्शन कॉल होगा तो 3 आकर के सी में स्टोर हो जाएगा और 9 आकर के डी में स्टोर हो जाएगा। तो हम अब 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? सी, क्योंकि सी के अंदर भी 3 है। और 9 की जगह क्या लिख सकते हैं? डी, क्योंकि उसके अंदर भी अब 9 ही है। सेकेंड टाइम जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो इस समय वैल्यू पास होंगी 2 एंड 4। तो सी में आकर के 2 स्टोर होगा और डी में आकर के कितना स्टोर होगा? 4। तो फिर ये यहाँ पर रहेगा 2 और यहाँ पे रहेगा 4, ठीक है। तो एक बार इसे कंपाइल करते हैं, दो एरर दिखा रहा है। एक्स्ट्रा पैरामीटर इन कॉल टू स्टार्स, इसका रीज़न ये है कि यहाँ से तो वैल्यू आपने दे दी, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया आपने प्रोटोटाइप में कि किस टाइप की वैल्यू लेगा। तो हमने यहाँ पर भी बता दिया कि दो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा। यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना ऑप्शनल है, आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेगा तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसे कंपाइल करते हैं और रन कर देते हैं, ये देखिए, क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? वैल्यूज पास करनी पड़ती हैं। ये मैंने डायरेक्ट 3 एंड 9 लिख दिया, आप चाहें तो इन्हें किसी वेरिएबल में जैसे ए इक्वल टू 3 एंड इंट बी इक्वल टू 9 भी ले सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पास कर दीजिए ए और यहाँ पे पास कर दीजिए बी। इसी तरीके से यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ठीक है। तो जब आप यहाँ से ए और बी पास करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी यहाँ पर जाएंगे, नहीं, उनकी सिर्फ वैल्यूज जाती है। इसलिए यहाँ पर आप सी और डी लिखें या ए और बी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में ये वर्क करेगा, ठीक है। एक बार चला के देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब ए की वैल्यू कितनी? 2 और बी की वैल्यू 4, ठीक है। अब आप इसे कंपाइल कर दीजिए एंड रन कर दीजिए, देखिए सेम रिजल्ट अब ये देगा आपको। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।